सो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हम आ गए हैं एक और पुरानी वीडियो के साथ तो भाई आज की वाली वीडियो में ना बहुत सी चीज़ें बताऊंगा भी और वो फ्लाइंग फिश पेड वग़ैरह भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा वो भी और गोलम पेड आया है वो वगैरह तो हर चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा तो देखना एंड तक और भाई जो हेटर्स वग़ैरह का मैं सीन बता रहा था ना अपने आर्मर वार्मर गए तो हेटर कौन है भाई वो भी मुझे हंड्रेड परसेंट पता चल गया पर नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो देखना और कुछ और भी बातें भी करनी है सो हाँ वीडियो इन तक देखना बहुत ज़्यादा मजा आने वाले बाकी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आज की वाली वीडियो कैसी लगी इस वाली वीडियो में भी एक आर्मर का गेम है सो वो भी मैं एंड में बता दूँगा तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना बाबा जी दिक्कत वाली बात नहीं है सो बिना किसी तरीके हाँ, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वन सेकेंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और जल्दी से टू के करवा दो तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो भाई देखो सबसे पहले तो ये मैं सारे रख देता हूँ और भाई देखो मैं हकीकत चीज़ बताऊँ ना भाई आज ये वीडियो तो मैंने कल की रिकॉर्ड की भी है लेकिन मैं आज जब आया था ना शाम के टाइम पे अपना आइलैंड पे मैं गया ना मुझे मतलब एक बंदे ने मैसेज करा कि आपका अकाउंट हैक हो गया क्या मैंने कहा नहीं आया मेरा अकाउंट तो कोई हैक नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फिर आपके आइलैंड पर क्या है तो मैं अपने आइलैंड पर आया तो भाई किसी नूबड़े के बच्चे ने साइन बोर्ड लगाए हुए थे नौ दस के करीब और उस पर इतनी घटिया बातें लिखी हुई थी अब मैं क्या बोलूँ भाई गालियाँ वाली हैं अब देखो मैं नाम तो नहीं लेना तो मतलब गालियां भी यहाँ तो बताने से रहा और ना वो चीज़ वीडियो में दिखाने से रहा क्योंकि भाई देखो अपनी वीडियो बच्चे भी देखते हैं और बड़े भी तो मैं नहीं चाहता ना यार फिर कुछ भी होना तो समझ रहे ना मेरी बात सो हाँ तो अब देखो इससे सीधी बात मैं इतना आपको बताऊँगा देखो साइन बोर्ड कोई भी नहीं लगा सकता हेल्पर मोड और ऑनर के अलावा ठीक है सो अब सीधी बात क्या आती है भाई अपना जो हेटर है कोई नूबरी का जो है वो है अपने मतलब फेक पिकल के जो स्टाफ है ना उसमें से ये है हंड्रेड एंड वन परसेंट ओके तो so, हाँ अब भाई मैं क्या ही बोलूँ मुझे पता भी कौन है लेकिन नाम मम नहीं लेना चाहूँगा मैं उसका पागा भाई बस मैं इतना ही बोलूँगा देखो भाई हेटर जब भी हैं जब अपनी फैम हो जाती है तो समझ लो ना अब हम फेमस हो रहे तो जल लिए भाई इसकी मैं ये बोलना चाहूँगा यार भाई तुम स्टाफ हो स्टाफ हो के जल लो तुम मुझसे तो यार फिर तो लाना था तुम्हारे पे स्टाफ होने पे बस मुझे इस चीज़ का गुस्सा यार उसने ना बहुत सी गलत बातें लिखी हुई तो घर वालों के बारे में भी भाई देखो मैं किसी के घर वालों के बारे में बात नहीं करता लेकिन उस नूबड़ी के बच्चे ने लिखा हुआ था बोटों पर साइन बोर्ड पर सो अब मैं क्या बोलूँ खैर क्या बोल सकते हैं भाई अब घटिया किस्म की स्टाफ है तो क्या ही बोलेगा इंसान ऐसे नूबड़ों को खैर जाने तो भाई अब हेटरों का क्या ही कर सकते हैं भाई उनकी देखो अब मैंने सोच लिया पहले मैं सोच रहा था लीव करूंगा लेकिन अब मैंने सोच लिया भाई देखो हेटर्स तो यही चाह रहे हैं ना हम लीव करें लेकिन हम उनकी और जलाएंगे तो और ज़्यादा आएंगे और इतना ज़्यादा आएंगे कि नूबड़ियों की सही से चल जाए समझ लो ना मेरी बात उनके सामने लोगों को चीते देंगे कि उनकी और जले कि मज़ा आए अपने को हाँ भाई नूबड़ों की जल ली है तो अब मैंने माइंड बना लिया अब इतनी जलानी है मैंने नूबड़ों की वो मतलब उनको लास्ट रीज़न यही हो रह जाएगा मुझे बैन करना सो हाँ अब देखते हैं कब तक बैन मिलता है मैं लेकिन हाँ अब मैं लीव तो नहीं करने वाला और देखो भाई मैं ना किसी से गलत बात करता हूँ ना किसी ऑनर से ना किसी से मैं जस अपना वीडियो में आता हूँ वीडियो का काम करके जाता हूँ अभी भी मैं वही रखूँगा अपनी रूटीन जो है वीडियो के लिए आएंगे और जाएंगे लेकिन अब मैं थोड़ा एक्टिव रहूँगा मतलब फैक्ट पिक्सल कह लूँगा वे लूँगा आऊंगा जाऊँगा लोगों को पैसे वैसे दूँगा ताकि जो हैटर्स हैं ना वो देखें उनकी जले तो समझ रहे हो ना पता क्यों जलती है उनकी मैं और अगर वो होंगे ना साथ में तो सीन ऐसा होता है पब्लिक ज़्यादा मेरे पास होती है समझ रहे हो और इसी चीज़ से लोगों को ना हसद होती है कि भाई इसके बाद बंदे क्यों ज़्यादा जा रहे हैं मेरे पास क्यों नहीं आ रहे मुझे इतनी वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग तो भाई ये सीन है मैंने कितनी बार देखा उस नूबड़े को मेरे साथ ही अगर होता है ना मतलब थोड़ा सा मुझसे दूर तो पब्लिक जो है देखो भाई आप लोगों का ये प्यार है यार जो आप लोग मेरे पास आते हो ठीक है तो वो पूरा ना मेरे पास लग जाता है तो ऐसे लोगों की जलती है समझ लो ना तो हाँ बस बत इतना बताना चाहूँगा मैं वो जो है ना अपना हेटर वो भाई स्टाफ में से ही है फेक पिक्सल के जो स्टाफ है ना तो आप समझ जाओ कौन हो सकता है बाकी मैं नाम वाम नहीं लेना चाह रहा भाई देखो मुझे नहीं पसंद किसी का भी नाम वाम लेना सो छोड़ देते हैं उसको बस इतना ही बताना था पर मेरी इस चीज़ पे भाई देखो बहुत बुरा लगा है क्या देखो दयम भाई मैं किसी के माँ बाप के बारे में कोई गलत बात नहीं करता तो भाई उसका भी ये चीज़ का हक़ नहीं बनता कि वो भी करे सो so, हाँ अगर तो वीडियो देखे तो भाई यही बोलूँगा भाई तमीज़ में रहो थोड़ा हमने आपके बारे में भाई कोई गलत बात नहीं करी तो आप भी नहीं करो तो so, हाँ बाकी खैर आप लोग बताने से नूगलों के बारे में क्या लिखना चाहिए जो वो गाली वाली करके जाए और माँ बहन के बारे में गलत बात बोले ऐसे घटिया लोगों के बारे में दो वो लिख देना ताकि अगर वो देखे कमेंट सेक्शन तो उसके मुंह से सब कुछ बाहर आ जाए नूबड़े के बाकी गुस्सा तो मुझे बहुत है लिटरली दिल तो मेरा भी चाह रहा है एक से एक नसल की गाली तो उसे लेकिन अगर देखो हम गाली देंगे तो फिर उसमें और अपन में फ़र्क क्या रह जाएगा समझ रहे हो ना सो so, हाँ बाकी अपने को तो भाई खुशी हो रही है ना यार अपनी फैम बढ़ते जा रही है तो जब भी तो हेटर आ रहे हैं और लिटरली भाई हेटर स्टाफ में सारे तो और भी ज़्यादा वाली बात है तो चलो ये बातें छोड़ते हैं अपने अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो भाई देखो अपडेट जो है ना भाई बहुत सी न्यू चीज़ें ऐड कर दी हैं फेक पिक्सल के ऑनर ने जो कि भाई ओपी करते जा रहे हैं नाइस वाला काम भाई ये वाला आर्मर था इस पर मैंने बेट लगा दी थी, थी अगर मिल गया तो मिल गया और भाई देखो फ्लाइंग पेड़ आपको कैसे मिल सकता है गोलम पेड़ आपको कैसे मिल सकता है सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर ही सो वीडियो को लास्ट तक देखना तो हाँ देखो गोलम पेड़ के लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो मतलब मुश्किल हो सकता है लेकिन फ्लाइंग पेड आपको इजीली ना 20 मिनट 10 मिनट में मिल जाएगा तो उसकी दिक्कत नहीं है और भाई यहाँ पे ना पॉपी वाली स्किन लगी हुई थी ना मैसे आर्मर की ना तो मैंने कहा क्यों ना ले लें यहाँ से मैं फिर लेने वाला ही था फिर मुझे याद है यहाँ से लेने से अच्छा ना हम पहले ना वहाँ पर जाके देखते हैं अगर सेल में ये हुई तो हम बाय कर लेंगे क्योंकि अपने पास नौ सौ के करीब जेम्स तो हैं ना और अपने पास बेड्स भी डेढ़ लाख के अराउंड है देख लो ना सो हम और जेम्स खरीद लेंगे वो तो दिक्कत वाली बात नहीं है तो भाई जब मैं यहाँ पे आया तो मैं सेल में गया यहाँ पे तो नहीं हम सेल में जाते तो भाई यहाँ सात की स्टॉक थी मतलब हम साथ ख़रीद सकते थे ना तो मैंने भाई सोचा सारी ही क्यूटा ख़रीद लूँ मैं क्योंकि हम इसको अपने चोर बाजार में भी लगा सकेंगे ताकि अपनी पब्लिक भी डिस्काउंट में ले सके उनका भी फायदा हो तो हाँ यही सीन था मैंने इस नहीं यहाँ से ना मतलब ठीक ठाक बाय कर ली थी जितनी पॉसिबल थी मेरे पास बिट्स बची थी पाँच के करीब तो मैंने कहा सारी बाय कर लेते क्योंकि एक लाख मेरे पास हैं बिट्स ना तो मैं जेम्स और बाय कर लूँगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है तो वो यहाँ से मैंने पूरी जो थी ना सारी मैंने कहा चलो बाय कर लेते हैं जितनी भी स्टॉक ऐसे करते हैं ख़त्म और ये हो गई भाई पूरी सेल और ये आ गई और अब इसको करते अपने आर्मर में कंबाइन और पहन के देखते हैं कैसा लग रही है ना ये स्किन अभी हम बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ अपना मेस्टिफ आर्मर था भाई कहाँ पे रखा था अभी तो ढूंढने में भी ज़िंदगी भी जाएगी अपने को लिटरली हाँ तो ये रखा हुआ ऊपर के साइड में हाँ ये आर्मर और ये रहा का एड गियर सो इसमें इसको कंबाइन कर लेते हैं और फिर पहन के देखते हैं कैसा लग रहा है हम्म चल भाई आ ये हो गया इसके साथ हाँ भाई देख रो क्या ही ओपी मतलब इस्टार्स आ गया तो ये हो गया अब मैं इसको पहनता हूँ और भाई लिटरली ऐसा लग रहा था झापू होते हैं ना शोमू मतलब सुन फ्लाइट लग रहा था भाई लिटरली देख रो इसकी बंदी बंदी छोड़ के भाग गई है इसको बेचारे को कम लग गया मतलब एकदम शोमू वाली स्किन थी चलो कोई नहीं आ गई है तो इसको हम चोर बाजार में अपने ऐड कर देंगे सो मैं इसको सारा चेस में रख देता हूँ और अपना वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बाकी हाँ तो भाई लोग उसके बाद में दोबारा आया था यहाँ क्यों आया था अभी मैं बताता हूँ तो भाई देखो यहाँ पे ना आपको दिख रहे होंगे कॉम्पेट एक्सपी बूस और फिशिंग वाले बूस वगैरह ना जैसे ये ना अब देखो इसकी भी एबिलिटी इन्होंने ऐड कर दी है अब आपको आप ना इसको अपने पेड में लगाओगे तो ये वर्क करेगा पहले ऐसा होता था, था ये वर्क नहीं करता था लेकिन अब अपडेट आया तो ये कर रहा है ये एक दिन लेट हो चुका है वीडियो मुझे पता है लेकिन देख लेना और ये वाला पेड है ये कैसे मिलेगा ये भी आज मैं बताने वाला हूँ सो एंड तक देखते रहे हाँ तो हाँ बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ तो आप लोग थोड़ा सही कर देना लेकिन जहाँ तक मुझे भाई रिसर्च करने के बाद पता चला है तो वही चीज़ मैं बताऊँगा मतलब मुझे पहले से भी पता था फिर मैंने रिसर्च की तो वही चीज़ आई सामने सो हाँ वो आगे ही मतलब आगे जब करेंगे तो बता दूँगा मैं और यहाँ पर फिशिंग रॉड वगैरह थी सो अभी तो इसकी हमें नीड नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं और कुछ काम का तो मुझे नहीं दिख रहा कि हम जिस चीज़ को ना बाय कर सकें तो मतलब अपने मतलब का कुछ भी नहीं जाना है यहाँ पर और लाजमी कमेंट करके बताने से नूबड़ों को क्या बोलना चाहिए जो घटिया तरीन लोग होते हैं ना मतलब स्टाफ हो के यार रैंक्स ले लेके इतनी बड़ी बड़ी और ये हरकतें करते हैं तो लिटरली गुस्सा आता है बाकी हाँ मुझे हाहा ने बोला था कि भाई टेंशन नहीं लो तुम ऐसी कोई बैन नहीं करेगा अपने दोस्तों से अनबैन करवा देंगे वैसे मुझे भाई गम नहीं है बैन का अगर हुए भी तो कोई मसले वाली बात नहीं है भाई उनकी मर्ज़ी है भाई उनका सर्वर अब हम क्या कह सकते हैं ओके okay? और तो चलो इस बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं बस कमेंट करके आप लोग लाजमी बताना कि इसे नूंगड़ों को क्या कहना चाहिए तो मैंने यहाँ पे देख रहा था कि इन्होंने कैट फ्लावर वाली लड़की वगैरह ऐड की और ये वो तो ऐसा तो इन्होंने अभी कुछ ऐड नहीं किया और ये भाई हमारे पास रोड है ये नहीं हम यहाँ पर देखते कोई ना बेस्ट रोड हो तो अभी के लिए मुझे भाई यही वाली ना रोड दिखी थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ना मतलब इसमें फ़िशिंग स्पीड मिल रही थी ना और किसी में इतनी नहीं थी, थी इसमें ना पैंतालीस परसेंट थी ना मतलब फ़िशिंग स्पीड मतलब पैंतालीस प्लस कुछ थी ना फिशिंग स्पीड सो फिर मैंने सोचा यही वाली क्राफ्ट करेंगे लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ते हैं अभी हम ना थोड़ा एंड में चलते हैं एंड में क्यों जाना है वो मैं बताता तो हूँ यहाँ पे भाई बंदे बंदे आ रहे थे तो फिर लैग होती है आपको बताइए जहाँ बंदे आते हैं ना तो इसलिए मैं पहले एंड में जाना था लेकिन मैं गलती से अपने आइलैंड पर चले गया तो आइलैंड पर नहीं हमें एंड में जाना है तो so, चलो दिक्कत वाली बात नहीं है अभी हम चल लेते हैं एंड पे सो so, मैं एंड पे से नहीं जा रहा था कि एंड का भी ना आपको बता देता हूँ वो जो प्रोटेक्टर गोलम ऐड हुआ है ना उसका सीन क्या है क्या नहीं सो so, उसका भी मैं बताऊंगा गाइड पूरा कि आपको पैड वग़ैरह कैसे मिल सकता है लेकिन उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी सो so, मुझे नहीं पता वो देखो आपके लग पर डिपेंड करता है सो so, हाँ और वैसे आज इस्पॉक इवेंट भी था भाई लिटरली मैं उसमें नहीं जा सका क्योंकि भाई मेरा बहुत ज़्यादा गेम लैग हो रहा था और बैक टू बैक भाई मुझे बाहर फेंके दे रहा था आधा घंटा मैंने ट्राई करा लेकिन मैं नहीं जा पाया सो इसलिए मैं भाई इस पॉकिंग इवेंट में नहीं कर सका पार्टिसिपेट लेकिन कोई नहीं मैंने आई थिंक ब्लैक केट पेड तो बाय कर लिया था या नहीं किया था मुझे सही से याद नहीं है तो यहाँ पे बंदा ना वो आर्मर शेयर कर रहा था ड्राइवर वाला ना बीस मिलियन के राउंड तो चलो ले, ले लेते हैं अपने काम का ये क्योंकि हमें चाहिए था आर्मर इसको मैच कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा सो इसलिए मैंने ये वाला आर्मर यहाँ से ले लिया था इजीली सो अब चलते हैं वापसी अपना मतलब तो सब सबसे पहले रख देते हैं इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में ना मैक आउट करेंगे हाँ तो भाई सॉरी वाइट एवर ओके okay, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया था ओके okay, और भाई ये रियल किंग करके कोई बंदा था भाई ये ना आर्मर सेल कर रहा था मुझे कह रहा था चौबीस मिलियन ये वो देखो भाई पहली बात मैं बताऊँ ना आपको मुझे सबसे ज़्यादा भाई बुरा लगता है जब ना अपनी पब्लिक में से कोई कहता है ना भाई इतने में दूंगा ये चीज़ और उल्टा वो ये भी बोल रहे थे भाई बिग फैन फिर ये भी बोल रहे थे इतने में दूंगा ये चीज़ तो यार इस चीज़ में मुझे ना बस थोड़ा सा बुरा लगता है अगर देखो वो ये क्नता है ना उसने मुझे कहा चौबीस मिलियन का आर्मर दूंगा ठीक है सो मुझे इस चीज़ से ना थोड़ा सा बुरा लगा और वो यकीन मानो भी बोलता है ना भाई आपके लिए फिर ये मेरे देखो हमेशा मेरा माइंड होता है जो ऐसी बात करे ना सो मैं उसको भाई मैं सोचता हूँ ज़्यादा ही पैसे दूंगा उस आर्मर के मुकाबले मतलब कुछ भी चीज़ देगा उससे ज़्यादा ही उसको दे दूंगा लेकिन भाई लोग अब क्या ही कहें भाई बहुत से लालच करते हैं बहुत से भाई फ्री में देते हैं तो उनका लक होता है बहुत सौ को मैं दे भी देता हूँ और बहुत को नहीं भी देता भाई बात जो है मैं झूठ क्यों बनूँगा सो so, हाँ ये सीन था तो मैंने इससे नहीं लिया भाई फिर मैंने दूसरे बंदे से ले लिया था तो उसके बाद देखो भाई जो हैंड स्टोन प्रोटेक्टर का सीन है ना वो कुछ ऐसा भाई देखो उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत माननी पड़ती है अगर आपने आई पिक्सल के लोगे तो उसके बाद वो होता है स्पॉन तो उसमें भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है देखो अकेले तो अगर आप जीरो लोड मारते रहे तो भाई आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी ओके मतलब उसको स्पॉन करने में और इतनी देर में वो एक स्पॉन होता है और भाई ऐसा सीन है अगर एक स्पॉन होगा और उसको आप मारोगे तो फिर उसके बाद नहीं स्पॉन के नहीं बहुत टाइम लगेगा तो और हंड्रेड परसेंट शोर भी नहीं है कि आपको एक ही बारी में मिलेगा पेट तो इसलिए देखो भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है सो मैं ये सजेस्ट करूँगा इसके लिए ना आप दिन में ट्राई करना एंड में आने की क्योंकि दिन में ज़्यादा बंदे होते तो बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो ना उसको किल वगैरह कर रहे होंगे तो वो एंड स्टोन वाला प्रोटेक्टर ऑन हो जाएगा तो उसको आप इजीली मार सकते हो ना मतलब बॉस अब मुझे कंफर्म नहीं वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ लेकिन मुझे ना मतलब बहुत से लोगों ने बोला भाई वो ऐड हो चुका है मतलब अपने सब्सक्राइबर में से किसी ने बोला है तो अब देखो भाई मैं इतनी जीरो नहीं मार सकता कि वो हम देखें फोन करके लेकिन आप देखो सब्सक्राइबर भी झूठ नहीं बोलेंगे और कुछ बंदों ने ना मुझे एंड स्टोन रोल्स भी दिखाया था वो उस बॉस को मार के ही मिलता है तो so, हाँ मतलब वो ऐड हो चुका है तो so, उसको भाई स्पॉन करने का यही हो एक होता है तो so, हाँ ऐसे ही ट्राई करना दिन में आके तो इजीली आपका हो जाएगा स्पॉन उसके बाद मैं आके था वापसी भाई हब में क्योंकि भाई देखो घंटे तक तो हम नहीं कर सकते उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना स्पॉन करने के लिए सो so, इसलिए मैंने ना उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि भाई अभी देखो मैं आगे भी बढ़ना है अपना फ़िशिंग पैड कैसे लेना वो वगैरह सो वो भी बताना है इसलिए तो अपना आ जाते हैं इधर और भाई इधर देखें तो इधर आर एन जी मीटर फाइनली एड कर दिया इन्होंने लेकिन ये अभी वर्क क्यों नहीं कर रहा मुझे लिटरली नहीं पता इस चीज़ का क्योंकि मैंने भाई ट्राई करा ये ना किसी में भी ना वर्क नहीं कर रहा था नहीं देख लो हाँ तो मुझे नहीं पता भाई ये क्यों नहीं कर रहा वर्क लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कभी तो करेगा वर्क तो फिर देख लेंगे सो उसके बाद भाई मैं यहाँ पर आ गया था बाजार पर क्योंकि अब हमें बनानी है फिशिंग रोड ओके क्योंकि अब बढ़ते अपना फ्लैंग पेड आपको कैसे मिल सकता है ना तो उसकी तरफ तो चलो पहले बना लेता हूँ मैं एक फ़िशिंग रोड तो पहले यहाँ देख लेते तो। यहाँ पे कोई भी कुछ न्यू नहीं था सब पुराना ही था सो चलो अभी हम फिशिंग रोड बनाते हैं सो उसके लिए हमें चाहिए होंगे तीन रो फिश मतलब रोस अलमोन और दो स्ट्रिंग चाहिए होंगी ओके सो हम बढ़ते हैं अपना इधर नहीं जाना हमें इधर इधर से हम दो स्ट्रिंग ले लेते हैं सिंपल है। आ गई एक और तो और अब चलते अपना रोस अलमोन की तरफ सेलमान भाई ख़रीदने जा रहे हैं हम देख रहो मतलब ज़िंदा सेलमान भाई ख़रीदेंगे हम भाई, भाई साहब चेक कर रहे हो फुल अमीर चलना मतलब सैलम भाई को ख़रीद रहे हैं समझ रहे हो सैलम भाई भाई हल्के में नहीं लेने का so, हाँ, सो हाँ।, हाँ।, हाँ हमने यहाँ से तीन सेलमान भाई ख़रीद लिए थे और उसकी हमने एक रोड बना ली थी हो गए सो अब इसको हमने इंचाइनमेंट करना है तो मुझे दो मिनट दो मैं इसको फुल्ली मैक्स इन्चॉमेंट करता हूँ और रिफॉर्ज वग़ैरह करता हूँ इसमें और उसके बाद आपको मिलता हूँ जब तक कि आप लाइक का बटन दबा दो हम इस वीडियो पर लाइक एम रखते तीन मिलियन का देख रहे हो तीन मिलियन मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात मतलब <coughs> मजाक कर रहा हूँ सीरियस नहीं हो जाना सो हाँ इस वीडियो पे हम लाइक एम रखते हैं हंड्रेड प्लस तो करवा देना उम्मीद है मुझे और गिव अवे भी अभी बता दूंगा सो भाई देखो सिंपल जो है ना अपने इसके लिए ना आपको देखो एक फिशिंग रोड चाहिए अच्छी वाली ओके और उसके साथ अगर आपके पास अच्छा आर्मर होगा ना जिसमें आपको सी का रेट चांस ना ज़्यादा मिल रहा हो तो वो आर्मर लेना क्योंकि भाई देखो ये वाला जो पैड है ना आपको लिटरली मिलेगा फिशिंग करने से ओके अभी मैं दिखा देता हूँ अगर आप मतलब अगर हमें मिला तो दिखा दूँगा नहीं मिला तो कोई नहीं आप लोग अपना अलग ट्राई कर लेना क्योंकि भाई मैंने पूरा यूट्यूब पर देखा देखो मुझे ये चीज़ पता थी फ़िशिंग से मिलता है ओके तो मैंने यूट्यूब पर ये सर्च करा इसको क्राफ़्ट कैसे कर सकते तो भाई क्राफ्ट का तो कोई रेसिपी नहीं दिखी ना मुझे सो इसलिए सैड लाइफ इसको आई थिंक क्राफ्ट नहीं कर सकते या मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन हाँ जो मुझे पता था यूटूब पर भी है मुझे वही मिला मैंने हर जगह सर्च किया सो so, क्या कह सकते हैं बाकी यहाँ पे ट्रैक्चर की वजह से ना भाई मैं कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा था फिश वगैरह इसमें ना मतलब सही से नहीं हो रहा था शो तो मैंने स्नो फॉल्ट वाला लगा लिया था इससे थोड़ा ना क्लियर पानी भी दिखता है और एनिमेशन भी दिखता है ना फिश आ रही होती है सो वो तो मैंने ना यहाँ पे लगा लिया था तो इसको हम लगा देते हैं और यहाँ पे भाई ये बंदा बोल रहा था प्लीज़ मुझे ये दे दो दस मिलियन कुछ सो पहने कहा चलो यार कोई नहीं अभी दे देते दे हैं जाके लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ देखो ये एनिमेशन है इसमें ना ये देख रहा मतलब फिश है हमें दिखी भी तो हमें मिला है आ, क्या मिला है हमें क्रिस्टल मिला है हाँ पेजमरी क्रिस्टल करके कुछ मिला है सो हमें ये नहीं चाहिए हमें ना देखो सी के करेचर जो होते हैं ना उन्हें मारना है उनमें से आई थिंक ये ड्रॉप होता है मैं दिखा देता हूँ आपको ना तो ये देखो ऐसे करके ना ऐसी मोब आते हैं इन्हीं में से आपको वो स्कल भी मिलते हैं वो आर्मर बनाने के लिए और इनमें से ना आपको ये फिलइंग पेड भी मिल सकता है ऐसी करके और मे भी, मतलब कर भी हो सकता है देखो इन्होंने मेगला डोन करके या मतलब ये स्कल वाला शार्क वाला आर्मर एड करा मे भी हो सकता है मेगलाडोन इन्होंने ना पेड भी एड करो लेकिन उसके लिए ना मतलब एक वो होती है ना मेगला डॉन एक मतलब वो होता है स्पॉन होता है लेकिन उसके लिए फ़िशिंग लेवल आई थिंक पच्चीस के अराउंड चाहिए होता है या फिर तीस हाँ फिर वो ना बॉस कैच होता है तो उससे हमें मिलता है ये ईजीली ना अपना मतलब मेगलारोन पेड मुझे नहीं पता वो मेगला रोन पेड ऐड हुआ है कि नहीं हुआ क्या पता हुआ हो लोगों का तीस लेवल नहीं है जो वैसे वो है बॉस हम नहीं पकड़ पा रहे हो सो so, हाँ देख लेना जिसका तीस हो क्या पता किसी को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा लेकिन कंफर्म नहीं पता लेकिन हाँ फ़्लाइंग पेड जो है ना मतलब फ्लाइंग फ़िशिंग पेड जो है ना फ्लाइंग फिश पेड है जो वो भाई ऐसे ही मिलेगा आपको फ़िशिंग करके सो so, अब देखो ये लक पर डिपेंड करता है आपका लक कितना अच्छा है अगर आपका लक हंड्रेड परसेंट है तो भाई आपको एक ही बारी में मिल जाएगा और आपका लक मेरी तरह है तो भाई हज़ार बार भी ट्राई करोगे आपको लिटरली नहीं मिलेगा वैसे मैंने ज़्यादा नहीं दस मिनट आई थिंक कुछ करके ना यहाँ पे फिशिंग की थी मुझे नहीं मिला फिर ये बंदे का मैसेज आया तो मैंने कहा चलो यार इसको दे देते दे पैसे तो यहाँ पर मैंने ना दो बूस्टर कोकी लेके इसको दो बूस्टर कोकी और अपना तीन मिलियन दे दिए थे मांगे जा रहा था तो कब से भाई इतना रिश्ता है फिर भी ये मांग रहा था मुझे नहीं पता क्यों लेकिन हाँ चलो मांग रहे तो दे देते दे दिक्कत वाली बात नहीं है ये दो बूस्टर कोकी दे दी थी मैंने इसे और अपना तीन मिलियन दे दिए थे इसको तो ये हो गठन और उसके साथ यहाँ एक और बंदा था या नॉन करके ये भी मांग रहा था तो भाई पैसों की लिमिट मेरी ख़त्म हो गई थी ओके फिर क्या कर सकते था? तो मैंने इसको भी एक ना बूस्टर को की पाए करके दे दी क्योंकि भाई बूस्टर को गेम दे सकते हैं क्योंकि भाई रिकम्बेक्टर जो उसको भी इन्होंने सोल बाउंड कर दिया है आप किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते ये भी दिक्कत वाली बात नहीं चलो कोई नहीं हो जाता है जो भी होता है सो so, वो मैंने इस भाई को भी बूस्टर कोकी दे दी थी ये भी खुश हो गया था तो वो अब अपना बढ़ते हैं वापसी मतलब थोड़ी और फिशिंग वगैरह करते हैं ट्राई करते अपने को पेड़ मिल जाए यहाँ मैंने मैसेज कर दिया ओके okay, भाई हैप्पी सो so, अब अपना चलते हैं वापसी हब में और अपनी फिशिंग स्टार्ट करते हैं क्या पता इस बार अपने को फिश पेड मिल जाए अगर मिल गया तो अच्छी बात है नहीं मिला तो भाई यही बस मेरे को एक जो पता है हंड्रेड परसेंट वाली चीज़ वो यही है तो आप लोग इसमें ट्राई कर लेना तो पता चल जाएगा अगर मिल जाए तो भाई क्योंकि भाई यही चीज़ है और मैंने पूछा भी है तो लोगों को ऐसी मिला है हाँ तो भाई यही फिशिंग वाले और भाई यहाँ पे देख रहे हो सी लेंच वेंच पत नहीं क्या क्या लीच सी लीच खिच कुछ, कुछ करके भाई साठ हज़ार हेल्थ इसकी तो ऐसे भाई ये ना सीगनेचर वगैरह पकड़ते रहोगे ना इनमें से ही कोई ड्रॉप कर देगा और स्क्यूड पैड वग़ैरह वो भी ऐसे ही मिल जाता है इनमें से ही सो so, ट्राई कर लेना मुझे नहीं पता स्क्यूड वग़ैरह ऐड कर रहा है कि नहीं लेकिन आप फ्लाइंग मतलब फ्लाइंग फ़िश पैड तो ऐड करा है इन्होंने हंड्रेड परसेंट और वो आपको ऐसे ही मिलने वाला है तो बस फिशिंग को थोड़ा टाइम देना और ईजीली आप ले लोगे अपना ना जो पैड आपको चाहिए ना देख लो यहाँ पे आर्चर वार्चर ऐसे करके मबा थे सो so, मिल जाएगा लेकिन थोड़ी सी आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी मतलब फिशिंग करनी पड़ेगी और अगर आपका ज़्यादा फिशिंग लेवल होगा सो मे भी हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए तो देख लो ऐसे कर कर के मतलब अलग अलग मोब आएंगे उन्हें मार मार के तो ईजीली आप ना ले सकते हो सो हाँ देर किस बात की जल्दी से जाओ कर लो और भाई देखो इस साले में ना हम गिव अवे कर रहे हैं ये जो मैं आर्मर पहना हुआ ना इसी की मतलब आर्मर का मतलब ये नहीं दूंगा फ्रिज बना के दूँगा लेकिन उसके लिए भाई देखो टारगेट है इस वाली वीडियो पे हंड्रेड प्लस लाइक अगर हंड्रेड प्लस लाइक नहीं हुए तो भाई जो भी विनर होगा उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर हंड्रेड प्लस लाइक होगा तो फिर रिवॉर्ड दे देंगे तो हाँ मैं टाइम सेट कर दूँगा तीन दिन के अंदर हंड्रेड लाइक हो जाने चाहिए बाकी मैंने अपने आईलैंड पर भी फ़िशिंग की और यहाँ पर भी यही हुआ और फिशिंग का भाई सिंपल सा रूल है बस एक लाइक कर देना ओके चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब होना ज़रूरी है और कमेंट कर देना अपने इन गेम आईडी के साथ मतलब आपका इन गेम नेम क्या है ओके और अपना डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना वहाँ जाके गि वे वाले सेक्शन में जाना है गिवे वाले सेक्शन में जाके आपने सिंपल एक रिएक्ट कर देना है रिएक्ट से ये होगा आप हो जाओगे इंटर और इजिली आप फिर विन कर सकते हो रिवॉर्ड और ये मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी तो यहाँ पर देख लो स्पोक की फेस्टिवल नाइन मतलब उन्नीस घंटे कुछ आ रहा था सो हाँ लेकिन भाई मैं आज लिटरली नहीं जा सका भाई बहुत लेर हो रही तब मैं रात में जाके देखूँगा अगर फेस्टिवल चल रहा हुआ तो मैं ब्लैक कैट पैड लेके रख लूँगा सो so, उसका भी गिव अवे करेंगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तो हाँ तो चलो फिर आज के लिए बस करते हैं वीडियो को और मुझे लाजमी बताना नूबड़ों के बारे में क्या कहना चाहिए सो नूबड़ों के सो तो चलो बस भाई लोग अच्छी वीडियो में गई था वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ और ऐसी बढ़िया बढ़िया गिव अपेस लाता रहता है और मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो फेक पिक्सल किया हाई पिक्सल के लाऊं जो भी बोलोगे आ जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड पड़ी हुई है सब कुछ ही सो so, हाँ दिक्कत वाली बात नहीं है और गिव अवे में अगेन बता रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए लाइक कर देना अपना इन गेम नाम मतलब कमेंट कर देना इन गेम नाम के साथ और डिस्कॉर्ड पर जाके गिव अवे में सिंपल इंटर कर लेना और हंड्रेड प्लस लाइक like ज़रूरी है वरना गिव अवे कैंसिल हो जाएगा सो so, हाँ करवा देना और यार क्या कर रहे हो अभी तक टू के नहीं हुए अपने तो जाओ जल्दी जल्दी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि जल्दी से अपने टू के हो सकें ताकि अपनी थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा फैमिली बढ़ती रहे जाके और भी अच्छा लगेगा ना जितना ज़्यादा अपनी फैमिली बढ़ेगी सो so, हाँ फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ब्रांडेड न्यू वीडियो के साथ जब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहेगा और हेटरों को ऐसी जलाते रहेंगे साथ मिलके सो so, चलो भाई लोग लव यू अपना ख्याल रखना टाटा बाय बाय